हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है वर्ग। वर्ग की परिभाषा क्या होती है? वर्ग की परिभाषा होती है किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, वर्ग कहलाता है। जैसे कि दो को दो से गुणा करते हैं तो ये चार होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो का वर्ग बराबर चार। पहला विधि होता है गुणन विधि, दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। गुणन विधि में क्या होता है? गुणन विधि में क्या होता है? इकाई और दहाई। इकाई दहाई जिसमें दोनों हो उसमें, उसको गुणन विधि से निकाला जा सकता है। गुणन विधि में क्या होता है? जैसे कि आपको 35 का निकालना है, इकाई वाला अंक लेना पड़ेगा। इसमें तीन तीन चरण में हल होता है। पहले चरण में होता है, पहले चरण में होता है ये आपको इकाई वाले संख्या का वर्ग करके बराबर लिखना होता है। जैसे कि आपको 5, इकाई का ये अंक है 5 है और दहाई का 3 है, तो आपको 5 का वर्ग करके लिखना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब सेकेंड चरण में क्या होता है? सेकेंड चरण में होता है कि आप, अब बचा ये दहाई वाला। सेकेंड से 2 गुणे दहाई, दहाई गुणे इकाई प्लस जो इसका पहले चरण का आपको वर्ग करने प्राप्त हुआ था, इसका दहाई वाला अंक, दहाई वाला अंक, दहाई वाला अंक यहाँ पे हो जाएगा पहले चरण का दहाई अंक। अब यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुणे, इसका दहाई हो गया 3 और इकाई हो गया 5 प्लस इसका पहले चरण का दहाई वाला अंक यानी कि 2 प्लस 2। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 33 प्लस 2 32, ये हो जाएगा 32। अब इसको थर्ड चरण में अब आपको दहाई वाले अंक का स्क्वायर करना है। दहाई का स्क्वायर करना है और प्लस जो इसका इकाई है इस संख्या का, सेकंड चरण का, सेकंड चरण का अंक, सेकेंड चरण का दहाई का अंक। अब सेकेंड चरण में दहाई का अंक ये है 3 है, तो इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेकेंड चरण के दहाई का अंक यानी कि 3। अब ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 12, 3 त्रिका 9 हो जाएगा प्लस 3 12 हो जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ से आपने इकाई दहाई का अंक उठा के इसमें रखा था और यहाँ से इसका दहाई का अंक उठा के इसमें रखा था। यहाँ से सीधा आप उठा के इसको यहाँ पे रखे थे और यहाँ से इस 3 को यहाँ पे उठा के रखे थे, तो आपको बचा इकाई का एक अंक। अब इकाई का यहाँ से लिखना चालू कर दीजिए। पहले इकाई के अंक में लिखेंगे यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे 12, तो ये 12 का 12 पूरा चलाएगा। अब ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर इक्वल टू इतना 12 25, 1225। अब बात करते हैं बीजगणितीय विधि की। तो बीजगणितीय विधि में भी यही लगेगा, जैसे कि आपको 35 का निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है। भी बीजगणितीय विधि में एक सूत्र लगता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर। आप एक मेथड से और निकाल सकते हैं, इस सूत्र से भी ए माइनस बी से भी निकाल सकते हैं। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर। अब इसको निकालने के लिए आपको ये 35 लिखा है, तो आप 35 का स्क्वायर करना है, तो आपको 35 को इस तरह से लिखिए कि
जोड़ने पर 35 आया, यानी कि 30 प्लस 5 यानी कि 35 हो जाएगा ना, 30 प्लस 5 35। अब इसको आप सपोज करिए ए और इसको सपोज करिए बी, इसको आप ए मानिए 30 को और 5 को बी मानिए, इस हिसाब से इसी सूत्र में रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसको आप हल करिए, यह हो जाए 30 का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 3 = 900 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 5 × 10 = 10 30 को गुणा करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 + 0 + 0 = 2 और 9 × 3 = 12 = 12 25 ये 35 का होल स्क्वायर है 1225। ये देखिए यहाँ पे भी गुणनखंड विधि से भी वही आया था और मतलब बीजीय गणित की विधि से ही आया था। अब चलते हैं सेकंड नंबर फार्मूले से आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं जैसे कि 35 है तो आपको 35 को निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो ऐसी संख्या में से घटाइए कि जहाँ 35 प्राप्त हो, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 40 और माइनस 5 यानी कि 40 में से 5 घटाएंगे आपको 35 प्राप्त होगा। तो इसको भी सपोज करिए, आप इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, इसको आप 40 को आप ए मान लीजिए और 5 को बी मान लीजिए, अब इसी सूत्र पे रख दीजिए तो ये हो जाएगा 40 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, अब देखिए ए स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2ab लिखा हुआ है तो 2 × 40 × 5। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर यानी बी आप 5 को बी माने थे तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 40 का आप गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4 × 16 यानी कि 1600 माइनस 5 × 10 × 40 तो ये हो जाएगा 400 प्लस 25। तो आप इसको आप यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1600 में से 400 घटाएंगे ये बचेगा 1200 प्लस 25। अब ये हो जाएगा 1225, ये हो गया आपका 35 का होल स्क्वायर। आप इस तीन विधि से निकाल सकते हैं वर्ग को। ओके, टॉपिक नंबर 3 दशमलव संख्याओं का वर्ग। दशमलव संख्याओं का वर्ग जैसे कि आपकी किसी भी संख्या का वर्ग करना है, जैसे कि आप यहाँ पे आप अभी 35 का कर रहे थे, आप 35 का भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 35 है तो आप इसको वर्ग करने के लिए सबसे पहले आपको चाहे जिस विधि से करो, चाहे गुणनखंड विधि चाहे जिस विधि से करो, आपको 35 करना है तो यहाँ पे आप नीचे ऊपर भी करके कर सकते हैं, यानी कि 35 × 35 तो ये हो जाएगा 5 × 25 हासिल आई 2 और 5 × 15 = 17 यह हो जाएगा 5 × 15 = 5 हासिल बचे 1 × 3 = 9 = 10 ये हो जाएगा 5 × 7 = 12 और 2 × 1 = 2 और ये हो जाए 1। अब आप यहाँ पे दशमलव लगा है तो दशमलव आप इसको दो अंकों पे लगा, एक अंकों पे लगा है तो यहाँ पे आपको दो अंकों पे लगाना है, ये एक अंक पे ये लगा है एक अंक, एक और दो, दो अंक संख्या पे लगाना है यानी कि 12.25। आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं जैसे कि
35.35 आप इसको निकालेंगे, लेकिन ये विषम संख्याओं के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जहाँ पे 5 आए लास्ट में, जिसके 5 आएगा उसको आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 50 25। जैसे कि इसको इसको इकाई इकाई वाला अंक आप गुणा करके रख लीजिए 50 25, तो इसका 50 25 पूरा हो गया, और प्लस इस वाले अंक में एक और ऐड कर दीजिए, यानी कि 3 में प्लस एक और ऐड कर दीजिए, तो यहाँ 3 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 से आप गुणा कर देंगे, 4 3 12, तो यह हो जाएगा 12 25, और दशमलव कितने अंक पे लगा हुआ है, 2 अंकों पे लगा हुआ है, यानी कि 2 अंकों पे। देखो सेम टू सेम आंसर आया है, इसमें भी इसमें भी।